हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एवी रॉक सीम। यहाँ पर यूरो क्वालीफायर्स लीग का मैच हो रहा है स्लोवेकिया वर्सेस पोर्टुगल के बीच 12:15 बजे। भाई साहब, 4 घंटे 49 मिनट बाद ये मैच होने वाला है। इतना बड़ा मैच है ना, 2005 के बाद सीधा 2023 में इन दोनों टीम्स के बीच मैच हो रहा है। इन बीच में कोई मैच ही नहीं हुआ इन दोनों का। तो बात करें, मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, देखते हैं भाई कौन सी टीम ओपन दूंगा। कोई भी दे सकता हूँ, हो सकता है पोर्टुगल का मैच दे दूँ, हो सकता है जो उसके अगला मैच है वो दे दूँ। ओपन तो आएगी भाई, आपसे वादा किया तो झूठ तो नहीं है वो। एंड गाइस, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। सो बढ़ते हैं आगे। तो बात करें, देखिए जैसे बहुत मैच है आज, 12:30 भी एफकन लीग के 2 मैच हैं, एफकन मीन्स अफ्रीकन। उसके बाद यूरो के तो 3 मैच हैं जिसमें से स्पेन, पोर्टुगल एंड क्रोएशिया का मैच है, 3 बड़ी टीम्स के, और मज़ा आने वाला है। तो टीम तो बना चुका हूँ, लेकिन आपको चलते हैं कुछ स्टैट्स की ओर लेके। स्लोवेकिया एंड पोर्टुगल 2-3-4-10 मेंबर कॉन्टेस्ट आपने खेलना है। ये हर बार इसलिए लिखता हूँ कि आपको पता रहे कि मैं जीएल नहीं देता, जीएल का कॉम्बिनेशन देता हूँ वो भी बहुत कम वीडियोस में। लेकिन क्या है कि स्मॉल लीग में एक्चुअली जिस चीज़ में आप एक्सपर्ट रहो ना, उस चीज़ में घुसो। अब मैं जान के बोलूँ कि मैं जीएल में ये हूँ वो हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। एक बार एक आध बार, मतलब मैंने अभी आपको बताता हूँ, मैंने पिछले वर्ल्ड कप का जो मैच चल रहा था ना, उसमें एक आधी छोटी जीएल जीत ली थी, मतलब मिनी जीएल। वो बड़ा मज़ा आया था, वो भी स्मॉल लीग की टीम से। तो ऐसा तो चलता रहता है, मतलब मिनी जीएल तो मैं जीतता रहता हूँ कभी कभी, बट मेगा जीएल सिर्फ मैंने जीती हैं ऑलमोस्ट 6-7 बार, और एक बार 2-4 बार, एक बार मेरे स्मॉल लीग से बंदे जीत गए थे, क्योंकि उन्होंने जिनको मैं प्राइम टीम देता था शुरू में, बिल्कुल 3-4 साल पहले। तो और अभी पीछे भी जीते थे, अभी महीना पहले, फुटबॉल में ही, क्योंकि मैं फुटबॉल का ही मेन हूँ, क्रिकेट नहीं। ठीक है, सम की प्लेयर एंड कैप्टन सजेशन की बात करें तो यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो अभी तक मैं कहूँगा कि है फॉर्म में, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि रिटायर ना हो जाए भाई जल्दी, क्योंकि क्रिस्टियानो में वो, मतलब अभी जैसे उस दिन उसका अल नासिर में इतना अच्छा हेडर आया, उसका गोल कैंसिल कर दिया। वो बेचारा बोल रहा माइक में कि ऑलवेज़ अगेंस्ट मी, मतलब मेरे, ऐसा रोनाल्डो ने बोला था। ठीक है, तो मतलब काफ़ी परेशान, अजीब दिन चल रहे हैं 2022 के बाद रोनाल्डो के। नहीं तो इस जैसा खिलाड़ी नहीं है यार, सीधी बात है, रोनाल्डो जैसा तो खिलाड़ी नहीं, हम तो सोच भी नहीं सकते। ठीक है, बड़े बड़े फुटबॉलर भी नहीं सोच सकते जो हैं कि रोनाल्डो जैसा बनना है, तो इसलिए रोनाल्डो तो अलग है। लेकिन क्या है कि गोल की जहाँ तक बात की जाए, तो क्रिस्टियानो जब बात आती है अपने देश पे, पोर्टुगल पे, तो उस उधर तो बहुत चलता है। तो मैं देखता हूँ इंटरनेशनल कैसा खेलता है। आज ब्रूनो की बात करें तो भाई साहब, ब्रूनो फर्नांडिस ये है मैनचेस्टर यूनाइटेड में, शुरू से खेल रहा है भाई। आज तक मैंने इसको किसी और टीम में नहीं देखा, अभी भी साइन नहीं किया इसने किसी और टीम को। तो ब्रूनो तो अलग है, मतलब पहले था मैनचेस्टर यूनाइटेड से पहले किसी और टीम में होगा अगर होगा, लेकिन जब से मैं 4 साल पहले की बात कर रहा हूँ। और बी सिल्वा की बात करें तो बर्नाडो सिल्वा भी बहुत खतरनाक है। ये बंदा मैनचेस्टर सिटी की तरफ से कई बार बहुत अच्छा भी खेला है, और पोर्टुगल की तरफ से भी इसने कई बार ऐसे ऐसे मैचेस खेले हैं जो अनप्रिडिक्टेबल हो जाते थे हमारे लिए भी। बी सिल्वा ने कर दिए 2 गोल, कभी बंदे ने 2 असिस्ट कर दिए, इसलिए बहुत ज़रूरी है जी रैमस खेल जाए। जी रैमस की इंटरनेशनल में आई थिंक हैट्रिक भी आ चुकी है वर्ल्ड कप में, फीफा वर्ल्ड कप में पिछले साल जो हुए थे नवंबर में, तो उसमें शायद हैट्रिक या 2 गोल इस बंदे ने किए थे। इन्होंने एक टीम को 6 से हराया था, 6-1 या 6-2 से। मज़ा आ गया था उस मैच में, उसमें रैमस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। तो मैं चाहता हूँ ये खेले, इसका और रोनाल्डो का मैं ड्यूल देखना चाहता हूँ एक मैच में, मेरा सपना है ये, वो जल्दी होगा, एक साथ देखना चाहता हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि रोनाल्डो सब्स्टिट्यूट हो गया या ये आ गया, मैं एक साथ खेलते देखना चाहता हूँ इन दोनों को। उसके बाद अगला मेरा प्लेयर है जाओ कैंसेलो। जाओ कैंसेलो इसलिए नाम लिखा था कि आप छोड़ ना दो, क्योंकि ये कप्तानी ऑप्शन रहता है हर मैच में। आपको याद होगा एक बार ब्रूनो खेल नहीं रहा था, तो सब लोगों ने वाइस कैप्टन बी सिल्वा को रख दिया था, लेकिन कई बंदों ने जब जाओ सिल्वा को रखा था, इस बंदे ने उसी मैच में 2 गोल भी कर दिए थे, आपको याद होगा। ये बात को आई थिंक 1 ईयर हो गया होगा। तो जाओ कैंसेलो बहुत अच्छा है। एंड आर मैक की बात करें, आर मैक, हैरिसलिन एंड हॉरवॉस्की, तीनों प्लेयर स्लोवेकिया के सबसे डेंजरस प्लेयर अगर मैं अपनी गिनती में कहूँ। अब आर मैक को देखा जाए तो ऑस्ट्रेलियन लीग के अंदर इतने गोल कर चुका है कि मैं क्या ही बताऊँ। हैरिसलिन ने इस सीज़न स्पार्टा टीम की तरफ से 5 मैच खेले हैं, इस सीज़न की बात कर रहा हूँ। 5 मैच में कितने गोल होंगे इस बंदे के, करो गैस, 1, 2 या 3? एक बढ़िया खिलाड़ी के 2-3 होंगे, इसके कितने हैं? 5। 5 में से 5 गोल, भाई साहब 5 मैच 5 गोल, 100% गोल रेशियो आ रहा है इस बंदे का, किसी बंदे का नहीं है। और हॉरवॉस्की की बात करें तो हॉरवॉस्की डिसेंट है, मतलब हॉरवॉस्की और एक प्लेयर है जिसका नाम है जेक कुका,
इन दोनों में से कोई एक चल सकता है, हो सकता है मैं हॉरर बॉस की लूँ तो वो चल जाए, अगर उसको लूँ तो ये चल जाए, क्योंकि ये दोनों 50-50% पे चलते हैं। एंड बिग इंजरी की बात करें, कोई है ही नहीं इंजर्ड। उसके बाद विनिंग चांसेस की बात करूँ तो 19% विनिंग चांसेस है स्लोवेकिया के और 81 हैं पोर्टुगल के, बट ये 81 डेंजरस नंबर लग रहा है मुझे, क्योंकि क्या है कि पोर्टुगल टीम गोल कर तो देगी लेकिन स्लोवेकिया टीम भी इतनी छोटी बच्ची नहीं है। मैं आपको पहले ही बता दूँ, 2005 के बाद मैच नहीं हुआ भाई, बीट कहाँ से होगा। इसलिए पोर्टुगल में रोनाल्डो है तो शायद प्रेशर बन जाए, बाकी मेरा ऐसा मानना है कि स्लोवेकिया को एक आध गोल तो करना चाहिए क्लीन शीट से, तो मुझे नहीं लगता कि स्लोवेकिया हारेगी। हार गई वो अलग बात है, मैं खुद 4 डिफेंडर लेके बैठा हूँ भाई, वो बात नहीं है, मैं एक जस्ट प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद बात करें गोल चांसेस की, एक गोल प्रेडिक्ट कर रहा हूँ स्लोवेकिया का और 2-3 गोल प्रेडिक्ट कर रहा हूँ पोर्टुगल के। भगवान करे पोर्टुगल तो जीत ही जाए लेकिन हम लोग जीत जाए। एंड बात करें इस मैच की, तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ टीम की ओर, स्ट्राइकिंग की ओर। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इस जैसा खिलाड़ी लिटरली नहीं मिलते भाई, इस जैसे खिलाड़ी वर्ल्ड को मिलते नहीं है, क्योंकि आई थिंक रोनाल्डो अभी थोड़ा वीक हुआ हुआ है, लेकिन आप इसके वो एरा याद करो रोनाल्डो का जो एक टाइम पे था जब ये आया था फुटबॉल में, पता होगा आपको। हम लोग भी भाई देखते हैं मज़ा आ जाता है ना। आगे से अगर बात करें मिडफील्डिंग की, आर मैक ऑस्ट्रेलियन लीग में खेलता है और बहुत बढ़िया खिलाड़ी है। एक्चुअली आप ये लगा लो, मैंने मैक को ले लिया, मैंने डूडा को नहीं लिया अपनी टीम में, जबकि ऑंड्रेस डूडा ने इतनी तगड़ी फॉर्म में है खिलाड़ी, मैंने डूडा नहीं लिया, मैंने अपनी टीम के अंदर जुरेज कुका नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? रीज़न है होरोवोस्की एंड हैरिसलिन। हैरिसलिन को जो बंदा छोड़ देगा उसके हारने के चांसेस पहले ही बढ़ जाएंगे, क्योंकि हैरिसलिन स्लोवेकिया का इकलौता ऐसा खिलाड़ी है जो बंदे का रिकॉर्ड इतना बेटर चल रहा है। मैं क्लियर बताऊंगा, इतना अच्छा रिकॉर्ड किसी स्ट्राइकर का भी नहीं है इनका। और होरोवोस्की की जगह अगर आपने भाई कुका लेना है, डूडा लेना है, तो ले लो, बेधड़क ले लो, पूछने की ज़रूरत भी नहीं है मुझसे, ठीक है, क्योंकि ये मैं अपने मुंह से एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि हाँ आप ले सकते हो। उसके बाद ब्रूनो की बात करूँ, ब्रूनो फर्नांडिस को ही वाइस कप्तान रखूँगा, मेरे नज़र में कोई और है नहीं, क्योंकि ब्रूनो ही बनता है और कोई तो रखूँगा तो मेरे ऊपर रिस्क की बात आ जाएगी। एंड बी सिल्वा को बात करें, बी सिल्वा इंटरनेशनल में बहुत चलता है, ये बंदा मैनचेस्टर सिटी में चले ना चले, जब देश की बात आती है ना तो ये बंदा निखर के सामने आता है, ये मैंने देखा है। न्यूवस को मैं नहीं ले रहा, पलीना का तो फ़ायदा ही नहीं है, कर भी देगा गोल तो भी धारूंगा नहीं, इतना तो मैं जानता हूँ। और टाबियो को भी लेने का फ़ायदा नहीं है, तो फालतू बनती है अगर मैं लेता हूँ अपनी टीम में। और उसके बाद आगे से बात करें, यहाँ पर है जॉव कैंसेलो, हाँ भाई इसको रख सकते हो वाइस कप्तान। आ गया वाला मैच जिसकी मैं बात कर रहा था, आई थिंक इसी मैच में आप लोगों ने वाइस कप्तान रखा होगा, बहुत चला था उस मैच में। रूबन दियास, दोनों एक ही टीम में थे, बट कैंसेलो का भी साइन का पता नहीं चल रहा, पहले बेयर्न म्यूनिख में महीना खेल आया, उसके बाद फिर सिटी में आ गया, फिर मैनचेस्टर सिटी छोड़ दी, अभी समझ ही नहीं आ रहा जाना खाएं, ठीक है। एंड डी डायलट की बात करें, डियोगो डायलट मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब में खेलता है और पोर्टुगल की तरफ से जहाँ तक बात है तो तीसरी डिफेंडिंग कर रहा है, फेवरेट पोजीशन डियोगो डायलट की, देखने को असिस्ट मिल सकती है भाई आपको, फेवरेट पोजीशन है ये डियोगो डायलट की, फेवरेट पोजीशन। उसके बाद आगे से बात करूँ ए सिल्वा की, तो यहाँ पर मैं लूँगा एंटोनियो सिल्वा को, मेन प्लेयर है ना। आगे से अगर बात करें गोल कीपिंग सेक्शन से, तो मैरक रोडक जो खिलाड़ी है, ये स्लोवेकिया का एक नॉर्मल सा एक मैं कहूँगा गोलकीपर है, लेकिन मैं चाहता हूँ मार्टिन को खिलाया जाए। मार्टिन दुब्रवका ने डोमेस्टिक लीग्स के अंदर कई खिलाड़ियों को फेस किया होगा, रोडक पे मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं लग रहा जितना कि मुझे दुब्रवका पे लग रहा है, इसको खिलाना चाहिए मेरे हिसाब से, बाकी इनके ऊपर है। बात करें कप्तान की, मेरा कप्तान रोनाल्डो, वाइस कप्तान ब्रूनो, बट अगर इस मैच के अंदर जी रैमस खेला तो मेरा वाइस कप्तान जी रैमस हो जाएगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।